नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों आज रेड 2 सितंबर को नहीं होगी, उपेंद्र जी का भी बहुत बड़ा ट्वीट आया है, तो इससे संबंधित इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से आपको पल पल की खबर दे रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपको जो भ्रमित हो रहे हो, लगभग जो भी हमारे पास न्यूज होती है हम सबसे पहले उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़े इससे पहले इस चैनल पर आप हमारे नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को आइकन को दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे कार्य करने की क्षमता को 1000 गुना बढ़ा देता है। चलते हैं खबर की ओर। सबसे पहले आप ये देख लो, 6 जून 9:26 में इन्होंने ट्वीट किया था रीट के बारे में। क्या है ट्वीट, ट्वीट की ओर चलते हैं। इन्होंने कहा है कि रीट 2020 2 सितंबर को नहीं होगी, ये आप सबको पहले हमने अवगत करा दिया था। माननीय शिक्षा मंत्री मोदी जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द रीट की विज्ञप्ति व लेवल 2 का पैटर्न जारी करें, जिससे बेरोजगार अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। तो दोस्तों इस प्रकार इन्होंने कुछ अखबारों की कटिंग भी ट्वीट में लगाई है, जिसमें एक यह है, रीट के लिए करना होगा लंबा इंतज़ार, अध्यापक पात्रता परीक्षा पाठ्यक्रम जारी हुआ नई अधिसूचना। इसमें कहा गया है कि जो बोर्ड रीट का एग्ज़ाम कराएगा उसके पास अब भी कराने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि सबसे पहले वो 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम, उसके बाद उनकी कॉपियाँ चेक, उनका रिजल्ट जारी करने को प्राथमिकता देगा, न कि रीट को। तो इसलिए ये शेड्यूल कोरोना से गड़बड़ा है शेड्यूल, क्योंकि अभी तक रिजल्ट आ जाता 10वीं 12वीं का, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये इस कारण ये परीक्षा लेट होगी। एक इन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया में लगता है लंबा समय, लगभग 1.5 माह का समय आवेदन प्रक्रिया में लग जाता है, तो इसलिए ये परीक्षा लेट होगी। अब अरविंद कुमार सेंगवा सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का क्या कहना है, हमारा पूरा फोकस फिलहाल ये आप दे सकते हो, इसके आधार पर आप खुद क्लियर कर सकते हो कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। हमारा पूरा फोकस फिलहाल 10वीं 12वीं की परीक्षा और उनके परिणाम पर, रीट को लेकर भी राज्य सरकार से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। तो दोस्तों अभी इनको निर्देश ही नहीं मिले हैं, वैसे भी इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी के लिए बोर्ड प्रशासन को कम से कम 4 महीने चाहिए। कोरोना की वजह से रीट के सिलेबस सहित अन्य सभी कार्य प्रभावित हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 4 महीने का समय, तो ये परीक्षा बिल्कुल लेट होगी। इस प्रकार आपको हमने सचिव मोदी के, जो अरविंद कुमार जी सेंगवा है उनके, और इन सब का आपको बता दिया गया है। और एक न्यूज़ ये भी है, 5 माह बाद रीट की विज्ञप्ति, ये भी इन्होंने लगाई है। तो दोस्तों एग्ज़ाम 2 सितंबर को होना असंभव है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम विदा ले रहे हैं और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।